संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री और आज जिनके इस मार्गदर्शन में, जिनकी कड़ी मेहनत से अंबाला का जो चौतरफा विकास हो रहा है, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कुछ उन्होंने करके दिखाया है, ऐसे हमारे बहुत ही, अब मैं इनको युवा ही मंत्री कहूँगा, ऐसे स्वास्थ्य युवा मंत्री श्री अनिल विज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी, हमारे मंत्री OP यादव जी, श्री संदीप सिंह जी, बहन कमलेश ढांडा जी, पार्टी के इस क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, सांसद कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, बहन बंतो कटारिया जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे सभी उपस्थित विधायकगण, ECS हेल्थ श्री राजीव अरोड़ा जी, हेल्थ विभाग के अन्य सभी अधिकारीगण, सभी इस हेल्थ विभाग से जुड़े हुए हमारे चिकित्सक बंधु, अंबाला जिले भर से आए हुए हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का यह अवसर बड़ा गौरव का दिन तो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी एक सौगात स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमको आज मिली है, लेकिन मैं इसको खुशी का दिन तो नहीं कह सकता। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। अस्पताल में आना, मरीज आता है एक कष्ट लेके आता है, ये ठीक है, जब उसका इलाज हो जाता है, जब उस बीमारी से बाहर आता है, तो फिर उसके मन पर एक संतोष का भाव होता है, एक प्रसन्नता को लेके जाता है, ना केवल वो मरीज बल्कि उसके परिवार के लोग, जितने अभ्यागत सब साथ आए हुए होते हैं, वो भी सब और एक प्रकार से प्रसन्न होकर के जाते हैं। ये जो बीमारी कैंसर की है, इस बीमारी का वास्तव में कभी पता चलता नहीं है कि कब कैंसर आ गया, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कभी कभी तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज ही नहीं होता, पता भी नहीं लगता, सेकंड स्टेज में भी कम पता लगता है, सभी मरीज उस समय तक उनको जारी नहीं होती, मुझे जानकारी नहीं होती कि उनको कैंसर हो गया, लेकिन थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब तकलीफ भी शुरू होती है और उसको डायग्नोज भी कर लिया जाता है, थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये बहुत कठिनाई भरी एक कहानी है। अपने यहाँ प्रदेश में कुल मिलाकर के कैंसर के मरीज ये बड़ी संख्या में ही आते हैं, लगभग 28,000 कैंसर ये यहाँ पर हर वर्ष हरियाणा के अंदर आते हैं, बड़ी संख्या। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा
हम बहुत निकट पहुंच गए कि कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था जब इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था, कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता था। उस समय पता लग जाए कि इस व्यक्ति को कैंसर है, बहुत सहानुभूतिपूर्वक हम बात करते थे, मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो इस कैंसर का इलाज बहुत से प्रकार से ये होने लग गया है और इस कैंसर का इलाज अब कई प्रकार की विधि होती है, मानो उसमें केमोथेरेपी है, चाहे उसमें सर्जरी करके भी ठीक करते हैं, रेडियोथेरेपी करके भी ठीक करते हैं। ये इलाज कुछ वर्ष पहले तक कारगर थे और बहुत सफलता मिलती थी, लेकिन आज नई नई तकनीक भी आ गई हैं और इस मेडिकल विज्ञान में, मेडिकल साइंस में अब ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि उन तरीकों से बहुत सुलभता से वो तरीके अपने को मिल भी रहे हैं, उसका इलाज भी हो रहा है, चाहे उसके अंदर रेडिएशन थेरेपी हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, ये सब नई नई तकनीक ही आ गई है। अब कैंसर की बीमारी ये क्षेत्र विशेष में भी अलग अलग प्रकार से होती है। अभी तक पंजाब का कुछ क्षेत्र ऐसा ध्यान में आया कि उसमें कैंसर बहुत होता था, भटिंडा का वो इलाका जहां से कैंसर के रोगी इलाज के लिए पुरातन जो हमारा परंपरागत तरीके इलाज के कुछ बने हुए हैं, बीकानेर में कुछ वैद्य कुछ डॉक्टर वहां रहते थे और वहां वो इलाज कराने के लिए जाते हैं। और एक विषय की जानकारी आपको है कि नहीं है कि एक ट्रेन चलती है सुबह, शाम को वापस आती है भटिंडा से बीकानेर, उसका नाम भटिंडा बीकानेर नहीं है, उसका नाम लोगों ने रख दिया कैंसर ट्रेन, क्यों उसमें 80-90% लोग इलाज के लिए कैंसर के लिए वहां जाते हैं, शाम को वहां से वापस लौटते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इलाज के नाते हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैंसर का किस प्रकार से इलाज संभव किया जाए। अपने यहाँ झज्जर जिले के अंदर बाड़सा स्थान है, उस बाड़सा स्थान में एम्स, कैंसर का एम्स ये बना है, वो भी हमारे ही सपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना है। 1000 बिस्तर का वो कैंसर का जो हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का, वो वहां बना है। 1000 लोगों के ठहरने की वहां व्यवस्था भी है। अगर हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूं, तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। और मैं समझता हूं न केवल अंबाला के लोग इससे लाभान्वित होंगे बल्कि आसपास के प्रदेश, क्यों कैंसर का जैसे मैंने बताया भटिंडा, अपने यहाँ हरियाणा में भी सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, नरवाना यानी जींद जिला, कैथल जिला, उसके बाद अंबाला जिला, ये जो बेल्ट है जिसको हम घग्गर बेल्ट कहते हैं, ये घग्गर बेल्ट में किस यानी मरीजों की कैंसर की संख्या आम जो औसतन है बाकी जगह से अपेक्षा ज़्यादा है। अब यहाँ का कोई मरीज कैंसर का हो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, आधुनिक मशीनें ये लगाई गई हैं और इन आधुनिक मशीनों में अभी आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि 2 मशीनें ये हमारी और एक साथ में भवन है उसके अंदर लगें तो अच्छा होगा। वो 2 मशीनें हैं, एक है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी यानी PET पैट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात स्पेक्ट उसको बोलते हैं। दोनों ये मशीनें हमने मंजूर कर दी हैं, इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये इस अस्पताल में आधुनिकतम मशीनें ये लगने वाली हैं। इस प्रकार की कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो PGI रोहतक में भी हम नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ऐसे बढ़िया से बढ़िया इलाज के लिए लोग बाग आसपास प्रदेशों से आए, अंबाला जिले के हों, चंडीगढ़ के हों, कहीं के हों, आखिर बीमारी जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि किस सीमा का आदमी वहां आएगा किसका नहीं आएगा। स्वास्थ्य सबका अच्छा होना चाहिए ऐसा हम मानते हैं, हम हमेशा कहते भी हैं कि संतु निरामया भवंतु सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, अर्थात सबको सुख मिले, सबकी काया जो है वो निरोगी हो, ये हमारे यहाँ इस प्रकार का एक विचार ये अपने यहाँ चलता है, इसलिए उसकी कोई सीमाएं नहीं हो सकती। एक विषय और भी
कि इस हॉस्पिटल के साथ, जैसे हर रोगी के साथ कोई ना कोई उसके उसका सहायक आता है, अटेंडेंट आता है, अटेंडेंट्स के रहने की जगह अभी यहाँ नहीं बनी है। मैंने विज साहब को कहा कि तुरंत आप जमीन का प्रबंध करिए, 100 लोगों का एक अटेंडेंट का जो हॉस्टल है वो भी एक यहाँ बनाएंगे, ताकि अटेंडेंस आए वो रुक सकें। आज उनको धर्मशालाओं में इधर उधर भागना जाना आना पड़ता है, तो इसलिए उसको भी हम ये सुविधा देना चाहते हैं। इसी प्रकार दो तीन चीज़ें और हैं जिसकी चर्चा मैं करूंगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए ज़्यादा समय बैठे हैं। हमारे यहाँ कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तुमने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2500 रुपया महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। इसी प्रकार थैलेसीमिया, ये एक ऐसी बीमारी होती है, सामान्यतः बच्चों में होती है, जिसका ब्लड बदलना पड़ता है बार बार। खून बदलने के लिए तो हमारे यहाँ सब अस्पतालों में व्यवस्था है, बड़े अस्पतालों में सब जगह, कि मुफ्त में उनका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में उसको चेंज किया जाता है। लेकिन फिर भी एक एज के बाद थैलेसीमिया के जो रोगी हैं वो भी सक्षम नहीं होते काम करने में, तो ऐसे गरीब परिवारों के जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनको भी हम 2500 रुपया महीने की ये पेंशन मंजूर करते हैं। आखिर हेल्थ ग्राउंड पर भी एड्स के लिए हम पहले से दे रहे हैं, तो ऐसी बीमारियां जिनके लिए हमको लगता है कि इन बीमारियों के कारण से शरीर सक्षम नहीं हो पाता, ऐसे सब परिवारों को जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, इसी प्रकार इनको भी इस प्रकार की पेंशन ये दी जाएगी। कोई कैंसर पेशेंट्स, इनका इलाज ये भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हॉस्पिटल हैं उनमें मुफ्त इलाज होगा, 5 लाख रुपए तक का खर्च कोई आएगा तो वो उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाएगा। और अभी चूंकि ये आज इसका उद्घाटन हुआ इस कैंसर हॉस्पिटल का, अब इसको भी हम जो कैंसर हॉस्पिटल के जितने भी जितने आयुष्मान भारत के जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उन लिस्टेड हॉस्पिटल्स में यहाँ का जो कैंसर हॉस्पिटल है इसको भी उस लिस्ट के अंदर हम रजिस्टर कराएंगे, ताकि यहाँ भी किसी का इलाज होगा वो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये कराया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार हम रोगियों के इलाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये ठीक है हॉस्पिटल बढ़ाना, CHC PHC डिस्पेंसरीज बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रोग होते हैं, उसके लिए स्पेशलाइजेशन यानी डॉक्टर्स की होनी चाहिए। हम सभी मेडिकल कॉलेजेस में और यहाँ तक अस्पतालों में भी हमने कुछ सीटें दे दी हैं कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो बनाए जाए, ताकि इनकी किसी की कमी ना आए। जहाँ तक डॉक्टर्स का विषय है, आज डॉक्टर्स हमारे जितनी संख्या चाहिए उतने नहीं हैं। हम 2014 में जब सत्ता में आए थे मात्र 750 MBBS के एडमिशन होते थे, मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे। हमने उसी समय कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले इस बजट सत्र में 4 स्थान बचते थे, चारों जिलों में भी हमने मेडिकल कॉलेज अनाउंस कर दिए हैं। 2025 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज ये बनकर तैयार हो जाएगा, और जो 700 2014 में सीटें थी, आज जो 1750 मेडिकल कॉलेज के जो छात्र MBBS के उनका एडमिशन होता है, और 2025 तक ये संख्या 3050 हो जाएगी, अर्थात हर वर्ष 3050 डॉक्टर्स ये हरियाणा में बनकर के तैयार होंगे। जो हरियाणा में काम करना चाहेंगे हरियाणा में करेंगे। आज डॉक्टर्स की जरूरत हर प्रदेश में है, देश में, दुनिया में, सब जगह है। कुछ डॉक्टर्स पढ़ाई करने के बाद विदेशों में जाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे पास योग्यता की कमी नहीं है, योग्य डॉक्टर्स हम बनाएंगे, जिसकी जहाँ जरूरत होगी वहाँ रखेंगे। और अब तो सरकारी डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी हमने कंडीशन लगाई है, 7 साल तक उनको हरियाणा सरकार की ही नौकरी करनी होगी, ताकि वो जल्दी छोड़ करके बाहर ना जाए। हमारे डॉक्टर्स की संख्या आज प्राइवेट और सरकारी मात्र 13,000 है, जबकि हमको 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर अगर चाहिए तो ये हमको आज 28,000 डॉक्टर की ज़रूरत है। तो 13,000 के बाद 15,000 सीटें डॉक्टर्स की और हम बढ़ाएंगे, ताकि कुछ प्राइवेट भी होंगे, सरकारी भी होंगे, सब मिलाकर, ताकि वो जो WHO का पैमाना है,
कि एक 10,000 के ऊपर 1,000 के ऊपर एक डॉक्टर, ये अवश्य हम पूरा करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम, जैसा मैंने बजट में भी घोषणा की थी, कि न केवल स्वास्थ्य बल्कि शिक्षा, शिक्षा के साथ सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, इस पर भी हम जोर दे रहे हैं, ताकि गरीब परिवार जिसकी आय साल की 1,80,000 है, हमने सबकी मैपिंग करा ली है परिवारों की, किस परिवार की आय कितनी है, तो न्यूनतम 1,80,000 के परिवार के जो बीपीएल के लोग हैं, इन सब को सब सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी, किसी से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा, कोई भी प्रकार, यहां तक बहुत से प्रकार के बीमा की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, इसमें योजना के अंदर हर व्यक्ति को बीमा कराते हुए अपने पास से कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, हमने इन लोगों के लिए वो भी फ्री कर दिया कि प्रीमियम वो नहीं देंगे, हरियाणा सरकार आपका प्रीमियम भरेगी, 1 साल में 6,000 रुपये का प्रीमियम इन योजनाओं के लिए, इन गरीब परिवारों के लिए हमने तय कर दिया है। मित्रों, हम ऐसी योजना जो वेलफेयर की, जो लोगों की भलाई की ऐसी योजनाएं हैं, इनको लागू करेंगे। और रोजगार के नाते जो बेरोजगार है, सरकारी नौकरी तो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं मिलती है, 15-20 हज़ार सरकारी नौकरियां साल में निकलती हैं, लेकिन 2 लाख लोगों को हर साल काम चाहिए, तो ये जो 1,80,000 लोग हैं, इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्किलिंग कराएंगे, लोन देने की अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको लोन भी दिलाएंगे, इनको सब्सिडी दिलाएंगे, ग्रांट दिलाएंगे, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है स्टैंड अप पॉलिसी, लोगों को खड़ा करो, लेकिन एक दुर्भाग्य है, इस इलाके का एक ऐसा बना है, एक नेता ऐसा खड़ा हो गया है जो कहता है नहीं नहीं नहीं, स्टैंड अप पॉलिसी नहीं बनानी, क्या कहता है, बैठ जाओ, बैठे बैठे खाओ, सिट डाउन पॉलिसी बनाई है उसने, सिट डाउन पॉलिसी, बैठे रहो, मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, मुफ्त की आदत लोगों को लगाना, आप क्या समझते हैं ये उचित है, क्या ये उचित है? हमारी स्टैंड अप पॉलिसी में विश्वास है या सिट डाउन पॉलिसी में विश्वास है? कौन सी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? लोगों को खड़ा करो, लोगों को रोजगार दो, अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्वाभिमान बढ़ेगा, स्वावलंबन होगा उनका, अपना अपने पैरों पर खड़े होंगे, लोग सीना चौड़ा करके जिएंगे। इसलिए मित्रों, ये एक बहुत बड़ी बीमारी इस इलाके में फैलने के लिए अपने पैर पसारे बैठी है। पंजाब में उन्होंने फैलाए, दिल्ली में फैलाए, लेकिन वहां लोग खुश नहीं है। ये सब घोषणा बहुत की करते हैं, 2 महीने बाद कहते हैं हम क्या करें जी, हमारा तो फंड ही ज्यादा नहीं देता है। अभी दिल्ली का कल का मैं समाचार पढ़ रहा था कि बिजली उसी को मुफ्त देंगे जो डिमांड करेगा। अरे भी डिमांड तो सब करते हैं, लेकिन आप डिमांड करने का अवसर ही क्यों दो? उनको पैरों पर खड़ा करो, उनको कमाने के लिए न्यूनतम हर परिवार की आय 1,80,000 का पैमाना हमने किया है, हम 1,80,000 हर किसी परिवार की करेंगे, चाहे रेडी वाला है तो, चाहे वो खोमचे वाला है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे मजदूर है, 15,000 रुपये महीना किसी की इनकम कम है, उसका हाथ हम पकड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना ही हमारा दायित्व है, हम जरूर करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आप सब लोगों को कि इस प्रकार की एक सुंदर व्यवस्था यहां खड़ी की गई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के प्रयत्नों से ये सब हो रहा है, और कोई भी काम, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बना के लाएंगे। मित्रों, बजट की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, वित्त मंत्री भी हूँ, हमारा बजट इतना ज़्यादा है कि हमने रिजर्व रखा हुआ है, आपकी आवश्यकता हम मंजूर करेंगे, समस्या आप लाइए, समाधान हम करेंगे, ये हमारा वायदा है। मित्रों, आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज के इस बड़े एक अच्छे एक सुंदर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके हमको ये जनता को सौंपा है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।